नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसी डीसी बल्ब को रिपेयर करना बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक लिवोन कंपनी का एसी डीसी बल्ब है जो कि पूरी तरह से डेड है। ना तो ये बैटरी से जल रहा है, देखिए इस तरह से, ना तो बैटरी से जल रहा है ना ही ये बिजली से जल रहा है। तो भी इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि इस तरह का जो भी प्रॉब्लम आता है इस वीडियो को देखने के बाद बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास जो LED बल्ब है, आइए सबसे पहले इसको हम चेक कर देते हैं। तो यहाँ इस तरह का, आप जब भी आप बल्ब रिपेयर करने जाएँ तो इस तरह का आपको सीरीज लाइन में होल्डर रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ कुछ भी ये इंडिकेशन नहीं दे रहा है, यानी ये बिल्कुल भी ना ब्लिंकिंग है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं जल रहा है। अब यहीं पे अगर हम सप्लाई चेक कर लें कि प्रॉपर सप्लाई हमारी आ रही है नहीं आ रही है, तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल हमारा सप्लाई आ रहा है और हमारा LED बल्ब ये दूसरा वाला जल रहा है, लेकिन ये LED बल्ब हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा LED बल्ब है, इसमें थोड़ी कुछ अलग खासियत भी, क्या खासियत है देखिए हम दिखा देते हैं। आमतौर पे आप LED बल्ब जो देखते हैं उसमें होता यह है कि आपका सामने से डिफ्यूज़र निकालते हैं, उसके बाद यहाँ से कैप निकालते हैं, फिर आपका ड्राइवर किट बाहर आता है। लेकिन इस तरह के बल्ब में देखिए, यहाँ पीछे से यहाँ ढक्कन खोल के आप इसका बैटरी भी बदल सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं बैटरी भी बदल सकते हैं, और साथ में इसका जो ड्राइवर लगा हुआ है यानी किट लगा हुआ यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसको आप डिफ्यूज़र खोलने का विशेष ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेड है, या खोल के भी आप देख सकते हैं यहाँ कोई आपका LED ख़राब तो नहीं है। तो इस तरह से खोलने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी LED हमारा ख़राब नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका हमें कोई ज़रूरत है नहीं सामने का। यहाँ पे हमारा किट में प्रॉब्लम हो सकता है, चूँकि डेड है तो किट में ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले इस किट को बाहर निकालने के लिए आपको यहाँ देखिए हमारा जो MCPCB पे वायर जा रहा है, इस वायर को यहाँ से हम उखाड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। ये उखाड़ देने के बाद अब यहाँ पे दो वायर जो यहाँ से हमारे इस पॉइंट से आ रहे हैं, इन दोनों वायर को भी यहाँ से हमको ओपन कर देना इस तरह से। यहाँ दोनों वायर ओपन कर देने के बाद अभी भी हमारा ड्राइवर किट यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि दोनों साइड में आप देख सकते हैं सेल का, यहाँ जो हमारे बैटरी का यहाँ पॉइंट यहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ है इस MCPCB में, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को हमको यहाँ इस PCB से अलग करना होगा, तब हमारा ये ड्राइवर जो है वो बाहर निकलेगा। कुछ इस तरह से यहाँ इसका शोल्डर हटा देना है, फिर दूसरे साइड का भी हमको यहाँ से शोल्डर हटा देना है। देखिए इस तरह से इस साइड का भी हम हटा देंगे। अब यहाँ पे किट हमारा ये बाहर बिल्कुल आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा किट ये पूरा बाहर आ चुका है हमारा ड्राइवर। अब जो भी इसका चार्जिंग का है, चाहे AC से जलने का, टोटल काम इसी में है। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि दो वायर हमने हमारा यहाँ जुड़ा था, एक वायर यहाँ पर जुड़ा हुआ था और एक वायर यहाँ पर जुड़ा हुआ था, यानी मेन AC का ये दो पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, कोई भी हमारा जो मतलब कोई भी उपकरण हो, जब उसको हम रिपेयर करने जाते, सबसे पहले उसकी सप्लाई लाइन में जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं उनको पहले हमें चेक करना होता है। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला यहाँ क्या लगा हुआ है, देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक MOB लगा हुआ है, और दूसरा वाला पॉइंट ये है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे एक रजिस्टर जो फ्यूज का भी काम करता है, ठीक है। तो इसे हमें चेक करना होगा सबसे पहले, क्योंकि जब भी हमारा LED बल्ब डेड होता है या कहीं शॉर्टिंग होता है तो यही हमारा रजिस्टर ज़्यादा करके ख़राब होता है, ठीक है। तो मल्टीमीटर बजर मोड में रख के और उसके बाद हम यहाँ पर इस रजिस्टर को यहाँ से चेक करेंगे। तो अगर ये रजिस्टर सही होगा तो आपको बीप की आवाज़ देगा या कोई वैल्यू ये शो करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रजिस्टर हमारा ख़राब है। अब ये ख़राब जब होता है तो कोई ना कोई और पार्ट कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, या तो आपका MOB शॉर्ट कर सकता है, या डायोड शॉर्ट कर सकता है, या कोई और कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले जो पार्ट ख़राब है उसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए हमने रजिस्टर को निकाल दिया है, ठीक है, ये रजिस्टर निकाल दिया, हमारा ख़राब है। इसके बाद यहाँ पे इस लाइन में एक MOB लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि हमारे AC को DC में कन्वर्ट करता है, फिर यहाँ फिल्टर करता है, उसके बाद हमारी सप्लाई इसमें मतलब पूरे प्लेट में
जो वर्क के लिए दी जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, रजिस्टर को बिना बदले सबसे पहले एमओवी को चेक कर लेंगे, जैसा कि हम हर एलईडी बल्ब में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मजर बोर्ड में ही रख के यहाँ पे चेक करना है। अगर कोई रीडिंग आता है इन दोनों पॉइंट पे लगाने पे, तो इसका मतलब एमओवी में आपके शॉर्टिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ ये आपको रीडिंग नहीं दिया, अगर कोई रीडिंग देता या मतलब बीप की आवाज़ देता तो हमें उसको चेंज करना पड़ता, लेकिन वो एकदम सही है। इसके बाद अपने डायोड को हम चेक कर लेंगे। डायोड को चेक करने के लिए यहाँ दोनों पॉइंट पे लगाएंगे इस तरह से, कोई भी रीडिंग नहीं मिलना चाहिए, कोई भी बीप का साउंड नहीं मिलना चाहिए। मल्टीमीटर का प्रॉड एक बार पलट लेंगे और पलटने के बाद भी यहाँ पे देखेंगे कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, तो बिल्कुल ओके है प्राइमरी। अब सेकेंडरी में एक बार आप शॉर्टिंग चेक कर लीजिए, अगर शॉर्टिंग नहीं है उसके बाद आप फ्यूज बदल के और इस पर सप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ सेकेंडरी में होता है एक साइड में आपको रीडिंग मिलता है, दूसरे साइड से रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। तो मल्टीमीटर का प्रॉड हम पलट लेते हैं और पलट लेने के बाद फिर चेक करेंगे तो यहाँ कोई रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कोई रीडिंग नहीं मिल रहा, इसका मतलब हमारा इधर कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये हाई वोल्टेज के कारण हमारा फ्यूज चला गया है, बाकी यहाँ कोई कंपोनेंट और ख़राब नहीं है। तो अब अगर मान लीजिए आपका रजिस्टर जल गया है, इसका कलर वगैरह नहीं पता चलता है, तो आपको क्या करना है, आप 10 ओम से लेकर 100 ओम तक का कोई भी हाफ वाट का रजिस्टर, इस तरह का कोई भी आपका जो एसी डीसी बल्ब हो उसके फ्यूज वाले जगह पर आप इसको लगा सकते हैं। तो मेरे पास देखते हैं कौन सा रजिस्टर है यहाँ पर, तो उसको यहाँ मेरे पास ये 100 ओम का मेरे पास रजिस्टर है और इस 100 ओम को आप लगा देंगे यहाँ। इस रजिस्टर को लगाने के लिए यहाँ कोई प्लस माइनस की देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई पोलरिटी नहीं होती है, आप जिस साइड से चाहें उस साइड से इसको लगा सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे रजिस्टर को लगा दिया है, ठीक है, यानी हमारा इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, रजिस्टर को हमने लगा दिया। अब चाहे तो आप यहाँ से भी सप्लाई देके चेक कर सकते हैं, तो फिर इसमें आपका एलईडी वगैरह जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम किट को ही इसके अंदर फिट कर देते हैं। जैसे हमने निकाला था उसी तरह से इसको फिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो बैटरी के पॉइंट हैं, इन पॉइंट को भी आपको सोल्ड कर देना है। तो अभी दोस्तों सभी कनेक्शन हमने अच्छी तरीके से कर दिया, यानी जो भी वायर हमारे ने उखाड़े थे सभी वायर को देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सबको जोड़ लिया, ठीक है। अब जोड़ लेने के बाद अब यहाँ बैटरी को भी इन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ जोड़ते ही जो हम बैटरी जैसे ही लगाए हमारा ये ऑन हो गया, इसका मतलब हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल ओके हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आइए सब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। अब इस तरह रिपेयरिंग करके जब फिर आप इसको टेस्टिंग करेंगे तो भाई सीरीज लाइन में ही चेक करिएगा, क्योंकि अगर कोई और शॉर्टिंग होगा तो फिर से उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब देख रहे हैं कि हमारा जो एलईडी बल्ब है बिल्कुल ओके हो गया है, यानी हमारा एसी से अब वर्क कर रहा है, एसी से हमारा फुल ब्राइटनेस के साथ यहाँ पर जल रहा है। और यहाँ पर डीसी देख लेते हैं, तो डीसी से भी हमारा देखिए डीसी से भी हमारा ये काम कर रहा है, यानी हमारा जो बल्ब था ये एसी डीसी बल्ब मात्र एक रजिस्टर की वजह से ये पूरी तरह से डेड था। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास कोई भी मतलब फेंका हुआ या आप इसको मतलब स्कैप में फेंक दिए हैं तो उसको एक बार ज़रूर खोल के टेस्ट करें, हो सकता है आपका बहुत कम मतलब लो प्राइस में आपका बल्ब रिपेयर हो जाए। वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।